हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, ये सेंटर पूल कोटा की सेकंड पार्ट की वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसकी लिंक अभी ऊपर आ रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जो 11 स्टेट जिनमें सेंटर पूल कोटा की सीट्स हैं उनकी सीट्स बताऊंगा, किस स्टेट में कितनी है MBBS और BTS दोनों की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में MBBS की 25 सीट्स हैं, BDS की 3। त्रिपुरा में 0 MBBS की, BDS की 3। मेघालय में 42 MBBS की, BDS की 3। मिजोरम में 18 MBBS की, BDS की 7। नागालैंड में 30 MBBS की, BDS की 3। मणिपुर में 5 MBBS की, BDS की 0। सिक्किम में 4 MBBS की, BDS की 3। अंडमान एंड निकोबार में 0 MBBS की, BDS की 2। दादर एंड नागर हवेली में 9 MBBS की, BDS की 2। दमन एंड दीव में 8 MBBS की, BDS की 2। और लक्षद्वीप में 2 MBBS की और BDS की भी 2। तो गाइज, ये 11 स्टेट्स हैं जिनमें सेंटर पूल कोटा की सीट्स अवेलेबल हैं। और इनको मैं कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो आप इस मेक श्योर कि आप उसे जाकर देख लें, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये 11 वो स्टेट्स हैं जिनमें सीट्स है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सेंटर पूल कोटा समझाने की कोशिश करी, और फर्स्ट वीडियो भी इसकी मैंने बनाई थी फर्स्ट पार्ट। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा सेंटर पूल कोटा है क्या, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।